हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट टू। यानी कि इससे पहले मैं एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। उस पार्ट में मैंने आपको समझाया था गाइज कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप्स की होती है और किन किन टाइप से हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल सकते हैं। इस वीडियो फिलहाल मैं इस पार्ट की बात करता हूँ गाइज। इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज में। इसके बाद मैं ऐसे ही बाकी पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और कैसे आप अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। फिलहाल मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन इन द इंडिविजुअल सीरीज, कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हम कैसे हम अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। बट सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साथ में आ रहे बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मैथमेटिकल एवरेज, हमारे पास एवरेज दो टाइप के होते हैं, तो मैथमेटिकल एवरेज एक होते हैं पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में तीन तरीके से मैथमेटिकल एवरेज को निकाला जा सकता है। पहला है आपका अर्थमेटिक मीन, दूसरा है आपका सिमेट्रिक मीन और तीसरा है आपका हार्मोनिक मीन। ओके सर, पोजिशनल एवरेज को भी तीन तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप मीडियन निकाल लीजिए या पार्टीशन वैल्यू निकाल लीजिए या फिर मोड निकाल दीजिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ इन छह में से आप निकालते हैं उसको आपको अलग अलग सीरीज में निकालना होता है। सर, कौन कौन सी सीरीज? सर, या तो आपको इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन दिया होता है या फिर आपको डिस्क्रीट वाला या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर पार्ट्स हैं उसके भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। यानी कि इन सीरीज, ये सीरीज दी जा सकती है और आपको बोला जा सकता है कि मीन निकालो या जो भी चीज़ें हैं इसके, आप मीडियन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो सर, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सर अर्थमेटिक मीन को निकालो। आज हम सीखेंगे कैसे हम अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। सर, किस सीरीज में? तो आज हम बात करेंगे सर इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाला जा सकता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जा सकता है। फिर सोन ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी किस सीरीज में? सर, इंडिविजुअल सीरीज में। जी सर, तो आइए पहले देखते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है और कैसे हम, कितने टाइप्स के होते हैं ये और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं सर, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ सर अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन, ठीक है सर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी सर? अर्थमेटिक मीन की। बता ही रहा हूँ सर, आज में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन की। तो सर, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूँ तो सब, अगर जितने मैंने आपको छह मेथड्स बताए एवरेज निकालने में, सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड है हमारा अर्थमेटिक मीन। इससे बेस्ट मेथड, अर्थमेटिक मीन से बेटर हमारा जो भी मैंने छह टाइप्स बताई, इससे बेस्ट आपको एक्यूरेसी कोई भी नहीं दे सकता और बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल मेथड है अर्थमेटिक मीन। ठीक है सर। सर, अर्थमेटिक मीन जो है हमारा सिंपल मेथड होता है, बहुत ही मतलब सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी चीज़ का तो अर्थमेटिक मीन को निकाल दीजिए, आपका सबसे बेस्ट मेथड होगा वो एवरेज निकालने का। ठीक है सर। तो अर्थमेटिक मीन की अगर बात कर रहे हैं सर, तो अर्थमेटिक मीन को निकालते कैसे देख लेते हैं सर। तो सर, अगर अर्थमेटिक मीन की ही मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक मीन को सबसे पहले देखते हैं डिनोट किससे किया जाता है। तो सर, अर्थमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। ये सर एक्स है और उसके ऊपर एक लाइन खींचनी है आपको, जिसको हम बार कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं सर? अर्थमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है सर किससे? एक्स बार से। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो सर, अर्थमेटिक मीन होते कितने टाइप्स के? तो अर्थमेटिक मीन सर दो टाइप्स के होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? जी सर, अर्थमेटिक मीन भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो सर, अर्थमेटिक मीन आपके दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से सर? एक है आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा है आपका वेटेड अर्थमेटिक, वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है सर। जी सर, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितने टाइप के हो गए सर? दो टाइप के अर्थमेटिक मीन है। पहला आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा है आपका
वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है सर जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। अच्छा सर, अर्थमेटिक मीन को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से सर? तो सर अर्थमेटिक मीन को हम, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीन भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक मीन को कभी कभी मीन भी बोला जाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बोलना है तो आप मीन बोल सकते हो। और इसको डिनोट किससे करते हैं बताया सर मैंने ऊपर, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है सर जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। तो सर पहले हम देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन की, किसकी बात करेंगे सर हम पहले, पहले हम बात करेंगे सर सिंपल अर्थमेटिक मीन की। तो सिंपल मेथड्स ऑफ, तो देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकालने के कितने तरीके, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है सर, ओके सर। सर मेथड्स कितने टाइप के होते हैं अर्थमेटिक मीन के, ये आपको बताऊंगा, बट मैंने आपको बताया था कि इनकी सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। सर तीन सीरीज होती हैं, तीनों में हम अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे। पहली कौन सी सीरीज थी सर एक बार बताइए? पहला था सर आपका इंडिविजुअल सीरीज, जी सर, इसमें देखेंगे हम अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी कौन सी सीरीज थी सर? दूसरा था सर हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जी सर, इसमें भी देखेंगे हम कैसे अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। और थर्ड कौन सी सीरीज थी सर आपकी? थर्ड थी सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जी सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसमें भी देखेंगे हम कैसे अर्थमेटिक मीन को निकाला जा सकता है, ठीक है सर। तो सर अभी हम दो तरीके के अर्थमेटिक मीन होते हैं, सिंपल और वेटेड। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की। सिंपल अर्थमेटिक मीन को तीनों सीरीज में हम निकालना सीखेंगे, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ठीक है सर। बट सर फिलहाल फिलहाल बात करेंगे सर हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है सर। तो एक बार हेडिंग डाल दीजिए मेरे सर, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सर अर्थमेटिक मीन को आप ए एम भी लिख सकते हैं, दैट इज ए एम, कैपिटल में होगा सर, स्मॉल में ए एम नहीं, टाइम वाला ए एम नहीं सर, ए एम, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज लिख सकते हैं सर आप मेरे सर, हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि कितने मैथड्स होते हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं, क्लियर है सर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सर कौन सा अर्थमेटिक मीन? सिंपल अर्थमेटिक मीन। अभी हम वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात नहीं कर रहे, इसको भूल जाइए, अभी हम नाउ आई एम टॉकिंग टू द अबाउट द सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो सर कैसे हम देखेंगे, कैसे हम अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं, किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में, जी सर। तो कितने मैथड्स होते हैं सर? तो सर देर आर द टू मैथड्स, देर आर द टू मैथड टू कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन इन विच सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पे सर हमारे पास दो मैथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालने के, कौन कौन से सर? तो फर्स्ट इज योर गाइस डायरेक्ट मेथड, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। दूसरा कौन सा है गाइस आपका? शॉर्टकट मेथड। तो देयर आर द टू टाइप्स टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, फर्स्ट इज योर डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज योर गाइस शॉर्टकट मेथड। क्या आप बात समझ में आ गई होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जी सर। अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल वेटेड, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल की, कितने सीरीज में निकालेंगे? तीनों सीरीज में निकालेंगे, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर सिंपल अर्थमेटिक मीन को पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। तो दो मेथड है, पहला हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। इस पार्ट में मैं दोनों ही मेथड आपको करके दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जब हम जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को, ठीक है सर। तो पहले आप डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से कैसे अर्थमेटिक मीन को निकाला जा सकता है, ठीक है सर। तो सर देखते हैं, पहले सर फॉर्मूले की बात कर लें, जी सर। तो सर डायरेक्ट मेथड में अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है सर एक्स बार, बताए सर अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से नोट करते हैं, जी सर। सर एक्स बार बोल दीजिए, ए एम बोल दीजिए, या फिर अर्थमेटिक मीन बोल दीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर मीन भी बोल सकते हैं सर, नॉर्मली आपको मीन ही बोला जाता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है सर, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। व्हाट इज द सिग्मा एक्स सर? सिग्मा एक्स क्या होता है सर? सिग्मा एक्स यहाँ पे आपका कैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखिए फिर, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द items, total value of the items, ठीक है सर, ओके सर। एंड व्हाट इज n?
तो एन क्या है सर यहाँ पे? नंबर ऑफ आइटम्स. व्हाट इज द एन? नंबर ऑफ आइटम्स. फॉर्मूला सर देख लिया आपने? इस फॉर्मूले को क्वेश्चन करके देखेंगे. फॉर्मूला हम फॉर्मूला सिर्फ नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा. बस आप अभी देख लीजिए सर, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकाल रहे हैं किसमें सर? इंडिविजुअल सीरीज में. और किस मेथड की बात कर रहे हैं सर? डायरेक्ट मेथड की. डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन निकालने का, ये मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स, इट्स कॉल्ड द सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स बोल दीजिए, कोई कोई इसको समेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं. तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन. सिग्मा एक्स क्या है सर? टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स. एंड एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ आइटम. ठीक है सर, क्वेश्चन करके देखिए सर. जी सर, करिए सर. तो करते हैं सर, एक क्वेश्चन देते हैं. मान लीजिए सपोज क्वेश्चन है गाइज आपका, पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट, पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 14 एंड 50, 55 एंड लास्ट इज योर गाइज 65. एंड क्वेश्चन कहता है हमसे फाइंड आउट द एवरेज ऑफ पॉकेट मनी. या फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट मनी. ठीक है सर. सर एवरेज हम सीख रहे हैं अर्थमेटिक में निकालना, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द एवरेज. ऐसा क्यों सर? सर बताया था मैंने आपको कि सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल टू एवरेज. तो सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन से हम क्या निकालते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ही निकालते हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या होता है? एवरेज होता है. तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एवरेज निकालने में बोलेगा तो उसका मतलब आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है सर, आप करें सर इसको. जी सर, कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन करें सर. जी सर, देखते हैं कैसे करते हैं सर. तो सर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह का मैं, बट फिर भी ट्राई करूंगा मैं कि इसमें हो जाए, वरना आपको दूसरे पे ज्यादा कन्फ्यूजन होगी. तो सर यहाँ पे आप लिखिएगा पॉकेट मनी क्या है सर आपकी? दैट इज योर पॉकेट मनी को हम एक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे सर? एक्स. तो लिखिए सर क्या क्या पॉकेट मनी है. 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65. लास्ट इज योर 65. ठीक है सर. जी सर, अब सर इन सबका समेशन कर दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए. तो सर 15, 35, 35, 65, 65 और 85, 87, 87 और 20, 107 और 112, 112 और 120, 130, 130 और 170, 170 और 30, 200, 220, 220, 275, 280, 200. दिस इज योर सिग्मा एक्स, हो जाएगा आपका 340. इसको हम सिग्मा एक्स एट नोट करेंगे गाइस. तो सिग्मा एक्स आपका क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा गाइस. ठीक है सर. ओके सर, अब सर अब क्या करना है सर? अब सर फॉर्मूले में पुट करना है. कैसे सर? तो सर एक्स बार निकालना है हमें, बताया था मैंने एक्स बार से हम डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन को. जी सर, हमें क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है. जी सर, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर? अभी तो बताया था सिग्मा एक्स अपॉन में एन. तो सर हमारा एक्स बार निकालना है. तो सिग्मा एक्स कितना निकला है सर आपका? सर सिग्मा एक्स हमारा 340 निकला है. ठीक है सर. सर एन क्या होता है सर? एन की भी देख लेते हैं सर. एन क्या होता है सर? एन इज योर नंबर ऑफ आइटम्स. तो देखिए सर कितने नंबर्स हैं, कितने आइटम्स आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है सर. जी सर, तो 10 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड होके आपका आ जाएगा 34. यानी कि हमारा जो एक्स बार आया वो कितना आया? 34. यानी कि हमारा जो मीन आया वो क्या आया? 34. यानी कि हमारा अर्थमेटिक मीन जो आया वो क्या आया? 34. तो सर इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से अगर आपको मीन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना सर, जो भी आपको आइटम दी होगी आइटम की वैल्यू को लिख लेना है, उसका सम कर देना है और फिर एक्स बार का फॉर्मूला लगा देना है. सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स जो आपको जोड़ के आएगा वो ऊपर, और जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे गिन लीजिए सर. नंबर आइटम दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है सर. तो 10 से हमने इसको क्या कर दिया सर? डिवाइड कर दिया. तो सर बहुत ही ईजी मैथड था, डायरेक्ट मैथड. आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई इशू नहीं होगा सर. बट फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ठीक है सर. ओके सर, यहाँ तक क्लियर है सर? जी सर, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं सर. तो अब हम बात करें शॉर्टकट मेथड की. जी सर, तो आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड्स की भाई बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड किसकी सर? अर्थमेटिक मीन की. कौन सी सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में. ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे सीरीज का बड़ा पंगा है सर, कन्फ्यूज मत होइएगा. अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा इस बात को. राइट नाउ
आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, बाकी इन सीरीज से की बात नहीं करेंगे अभी हम। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड है, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है सर, तो शॉर्टकट मेथड की बात करें। जी सर, आइए देखते हैं सर। नाउ शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। ठीक है सर, ओके सर। तो शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूं सर, शॉर्टकट, जस्ट अ मिनट सर। तो अब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड से मीन को निकालने का। इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से क्या निकालने का, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। जी सर, तो देखते हैं सर क्या फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिख लिया सर। जी सर, तो सर पहले फॉर्मूला लिखिए मेरे साथ। एक्स बार इजकल टू ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन। सर यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे सिग्मा डी क्या है बताऊंगा सर, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे साथ। ठीक है सर, तो सर एक्स बार तो क्या है आपका इसमें, सर एक्स बार तो हमको पता है क्या है सर, एक्स बार आपका अर्थमेटिक मीन है। जी सर, एक्स बार तो हम सबको पता है क्या होता है सर, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है सर, ओके। उसके बाद सर एक अब नया क्या है सर यहाँ पे ए, तो सर ए क्या है आपका यहाँ पे, तो सर ए है आपका यहाँ पे क्या है सर, ए है आपका सर एज्यूम्ड मीन। क्या है सर, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है सर, इसके बाद बात करते हैं सर और एक्स्ट्रा क्या आया सर, डी आया सर सिग्मा डी। तो पहले डी की बात करते हैं। डी क्या होता है सर, डी होता है सर डेविएशन, डी होता है हमारा डेविएशन। क्या होता है सर, डेविएशन। डी क्या होता है सर, डी होता है सर हमारा डेविएशन। ठीक है सर, ओके। और डी को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है सर, पहले डी को निकालने का फॉर्मूला देख लें सर। जी सर, डी को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। घबराइए मत सर, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत ही ईजी है, अलग अलग नई चीजें आई हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट घबराइए मत, मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो डी क्या है सर, हमारा डेविएशन एक्स माइनस ए। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं सर, ओके सर। एन क्या है सर, एन तो पता ही है सर, एन क्या होता है सर हमारा नंबर ऑफ आइटम्स। जी सर, तो लिख लीजिए सर, एन क्या है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं सर, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतना इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। जी तो सर करें क्वेश्चन। ठीक है सर, तो सर करते हैं एक बार क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है आपको, फॉलोइंग इज द पॉकेट मनी, फॉलोइंग इज द पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट। उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, कहीं जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज में लिया था सेम वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉलोइंग इज द पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन की जो मीन लिख देता हूँ, फाइंड आउट मीन यूजिंग शॉर्टकट मैथड, यूजिंग शॉर्टकट मैथड। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं सर, करें सर क्वेश्चन दीजिए सर। पॉकेट मनी बता दो, 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी दी है, क्या क्या पॉकेट मनी सर, सपोज 15 है, 20 है, 30 है, 22 है, 25 है, 18 है, 14 है, 55 एंड लास्ट इज योर 60। ये सर 10 बच्चों की पॉकेट मनी दे रखी है आपको, और हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर, हमसे बोला जा रहा है अर्थमेटिक मीन निकालिए, बट किस मेथड से सर, शॉर्टकट मेथड से। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो आइए देखते हैं गाइस। तो आइए सर देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो आपको ये पॉकेट मनी दे रखी है उसको आपको हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लिख लेना है, पॉकेट मनी लिख लीजिए। और पॉकेट मनी हमारी क्या है सर यहाँ पे, इट इज हमारी, ये हमारी एक्स है। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है सर बताऊंगा। इसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है सर, किस चीज़ का, एक सेकंड रुकिए सर, पहले कॉलम बना लें सर। ओके सर, ये कॉलम बना लिया मैंने। ठीक है, अब सर दूसरा कॉलम आपको बनाना है, किसका सर, दूसरा कॉलम बनाना है सर आपको डी का। कौन सा डी सर, ये जो हमें डी निकालना है, बताया था मैंने फॉर्मूले में। जी सर, ये डी है क्या सर, ये डी है सर हमारी डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन क्या है सर हमारी, बताया मैंने सर ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। तो डी का, डी क्या है हमारी डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एक्स माइनस, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, एक्स माइनस
ए, ठीक है सर। जी सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो सर पहले पॉकेट मनी लिखना है सारी। जी सर, क्या क्या पॉकेट मनी थी सर? 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड लास्ट इज योर 60। यही थी सर, यही तो पॉकेट मनी है। जी सर, आप क्या करना है सर? अब सर आपको डेविएशन निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, एक बार समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, ध्यान समझिएगा। सर हमें डी निकालना है, लेकिन डी निकालने से पहले हमें क्या निकालना चाहिए सर? ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। तो सर एक्स तो हमें पता है, ए नहीं पता ना सर, तो ए तो निकालना पड़ेगा। तो सर ए क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन, नाम से पता चल रहा है, एज्यूम करना यानी कि मानना पड़ेगा तुम्हें। तो सर आप ना इसमें से किसी भी एक आइटम को ए मान सकते हो, किसी को भी, कोई रोक टोक नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको, 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 किसी को भी, इट्स पैन ऑन यू। बट सर प्रिफर्ड करिएगा, कोशिश करिएगा कि जो आप ए माने वो बीच की वैल्यू को माने, या कोई ऐसी वैल्यू माने जिससे आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी ना आए, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए किसको मान लिया, 40 को मैंने यहाँ पे ए माना। सर आप किसी को भी मान सकते हैं, 15 को भी मान सकते हैं, 20 को भी, बट सर आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप मिड ऑफ द टर्म्स को ही माने, ताकि आपको डी निकालने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है सर, आप सर डी निकाले। जी सर, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? एक्स माइनस ए। तो एक्स हमारा यहाँ पे क्या है? 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 55 माइनस 40 और 60 माइनस 40। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा आपका सर 15 माइनस 40, दिस इज योर -25, -20, -10, -18, -15, -22, 0, 10, 15 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है सर। जी सर, अब क्या करना है सर आपको? सर आपको क्या करना है, अब आपको इसका सम कर देना है सर, देख रहा होगा सर। जी सर, अब आपको इसका सम कर देना है। सर सम क्यों? सर फॉर्मूला देखिए ना सर, आप फॉर्मूला में क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए, तो ए हमारा ये ना सिग्मा डी बोला है, सिग्मा डी मतलब इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सर ऐड कर देंगे, तो सर अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये होता है आपका -60। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा सर? -60। कैलकुलेशन करना आता होगा आपको गाइस, इतने बड़े हो गए तो कैलकुलेशन करने की सिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करना ईजी है, तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है सर, इसको भी टोटल करिए सर। क्या सर नंबर को टोटल करना? नहीं सर, एन टोटल, एन कितना है सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर मैं ही बड़ा बेवकूफ हूँ, इसको गिनने की जरूरत है? दिया तो है फाइंड द फॉलोइंग द पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं वही तो हमारा एन होगा। जी सर, कमाल करते हो सर आप भी। ठीक है सर, इतना हो गया। जी सर, आप फॉर्मूले में पुट करते हैं सर। जी सर, फॉर्मूला क्या था सर, एक बार रिपीट करेंगे? जी सर, क्या फॉर्मूला है सर? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन। ठीक है सर, ए क्या है सर हमारा? ए हमारा क्या है सर? 40। तो 40 लिखिए सर। सिग्मा डी क्या है सर? -60। ठीक है सर, एन क्या है सर हमारा? 10 है। जी सर, 10 से इसको माइनस कर देंगे सर, ये कितना हो जाएगा सर? -6 हो जाएगा। जी तो 40 प्लस ये -6 है। ठीक है सर, तो 40 प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। तो 40 माइनस 6 इक्वल टू कितना होता है? 34 होता है। ठीक है सर। सर देखिए, पिछली बार भी आपने इंडिविजुअल सीरीज से भी आंसर निकाला था, देख लीजिए एक बार, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, सॉरी डायरेक्ट मेथड से भी आपने आंसर निकाला था, तो आपका आंसर कितना आया था? 34। और हमने अभी शॉर्टकट मेथड से भी आंसर निकाला, तो हमारा आंसर कितना आया सर? 34। तो सर मेथड कोई भी हो, आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। किसी भी मेथड से आपको बोला जा सकता है क्वेश्चन निकालने के लिए, आपका आंसर सेम होगा, बट मेथड चेंज हो जाते हैं, करने का तरीका सेम हो जाता है। देखा सर आपने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड भी करके देखा और शॉर्टकट मेथड भी देखा, दोनों में आंसर सेम आया और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है क्वेश्चन। कुछ डिफिकल्ट था कि इसमें? नहीं सर, खामखा डर रहे थे हम, बहुत ही इजी है सर, एक बार करके देखेंगे, हलवा लगेगा क्वेश्चन, बहुत इजी। कहते हैं ना भाई साहब, मतलब पूछिए मत, मतलब ये तो ऐसा लगा कि पांचवी क्लास का क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक है सर जी, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई, आपके डाउट्स को क्लियर करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सर डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड की प्रैक्टिस करिए, जल्दी मैं लेके आऊंगा आपको डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने का
डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालने का तरीका। तब तक के लिए सर प्रैक्टिस करिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और सर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।